मधुबनी जिले के हरलाखी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फर्जी शिक्षक की पहचान अरेर थाना क्षेत्र के चंपा गांव निवासी विशाल कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि फर्जी शिक्षक साल 2006 में हरलाखी प्रखंड के नहरनिया पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बहाली हुई थी, जिसकी बहाली से संबंधित कागजात जांच के लिए निगरानी विभाग पटना को भेजा गया था, जहां जांच के दौरान सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोपालगंज टाउन थाने में तैनात होमगार्ड जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि होमगार्ड जवान ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मारकर घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एसपी आनंद कुमार को इसकी सूचना दी गई, जहां सूचना मिलने पर एसपी समेत तमाम वरीय अधिकारी थाने पहुंचकर जवान के खुदकुशी के कारण का पता लगाने में जुटे हैं। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। ये लगभग आधे घंटे पहले की घटना है। यहाँ पे जो हमारे कर्मीगण है, उन्होंने एक आवाज सुनी। टाउन थाना अंतर्गत एक कमरा है, उसी में कुछ होमगार्ड के जवान रहते थे, और उस कमरे से आवाज़ आई तो लोगों ने देखा कि गुरनिधि सिंह करके जवान हैं, जो कि कुर्सी पे मृत पाए गए। उनके हाथ में जो उनकी जो राइफल है वो पाई। बेगूसराय के हर हर महादेव चौक के पास पिकअप पर सवार दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया गया कि बढ़िया से गेहूं की कटनी कर सभी लोग पिकअप पर सवार होकर अपने घर नवगछिया जा रहे थे, तभी हर हर महादेव चौक पर अचानक पिकअप वैन का टायर फटने से सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बगहा में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने रेप कर हत्या में मारी गई युवती के परिवार वालों से मुलाकात की और राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। साथ ही सरकार से तत्काल 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के साथ बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि बीते 14 मार्च को बिहार पुलिस की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा के साथ ऑटो चालक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। चाहिए ऐसे लोगों को फांसी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई दया माया नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को जम के कानून बहुत सख्त से व्यवहार करना चाहिए, तब इस तरह के अपराध करने के लिए क्रिमिनल लोग डरेंगे। इस तरह की कार्रवाई की हम मांग करते हैं और उनको फांसी होना चाहिए, नौकरी की व्यवस्था करना चाहिए, पूरा मुआवजा दे देना चाहिए और राज्य सरकार के। होली को लेकर पटना में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज स्थित राजपुताना गली का है, जहां विजया फूड प्रोडक्ट की फैक्ट्री में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली सॉस बरामद किया है। इन नकली सॉस का बाजार में धड़ल्ले से व्यापार किया जा रहा था। खाद्य विभाग के अधिकारी अजय कुमार के मुताबिक होली को लेकर पटना के तमाम इलाकों में छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं फैक्ट्री का मालिक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बताते चलें कि जब्त किए गए नकली सॉस की कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर से हम लोग गुजर रहे तो अचानक यहाँ पर सूचना मिली कि यहाँ पर सॉस का फैक्ट्री है और उसी के अनुसार हम लोग इस फैक्ट्री में घुसे हैं और देखा जा रहा है यहाँ पे कि बहुत बड़ी मात्रा में सॉस बनाया जा रहा है। चिली सॉस है, टोमेटो सॉस है, सोया सॉस है, और बनाने की जो यहाँ पर जो स्थिति है बिल्कुल गंदी अवस्था में बनाई जा रही है और जो जो इंग्रेडिएंट स्टैंडर्ड। नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात पूर्व के विवाद में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई।
घटना के संबंध में जख्मी महिला ने बताया कि जब वो घर में ताला लगा रही थी तो गांव के ही मनी यादव ने पूर्व के विवाद के खुन्नस में उसे गोली मारकर घायल कर दिया। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए विम्स कॉलेज रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा मालिक विकलांग है, कमा के आ रहा था, उसको रगेत को तिवरी में मारे लगे, खून को बोड़ मोड़ पर के भाग खून गरे भैया, हमने लड़ाई के लिए हमारा काल मारा हो चल गए खून तक घर गेलो, यही बोल खून के हमारा मारो वालो घेर के, तो हम कल काहल कुछ नहीं बिगाड़ लो तो काल मारे लगलखिन, मैं इतना बोलिए रही हमारा गोलियाँ मार दिल को तलवा लगा दिल गोलियाँ मार दिल कौन मारा। गुमला जिला के सभी नागरिकों के साथ झारखंड वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। निवेदक अमरेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विशेष प्रमंडल गुमला। गुमला जिला के सभी नागरिकों के साथ झारखंड वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। निवेदक रविशंकर सौरभ, प्रबंधक सदर अस्पताल गुमला।